जैसे यहाँ पे आपको डिटेल शो हो रही है, वो आपको जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा आपके डेस्टिनेशन पे जो आपने डिटेल्स वगैरह उसमें मेंशन किए हैं। तो अदर देन दैट आप सेलर से बात करें, आप अपनी आप स्पेशली जो सर्च कर रहे हैं वो बिल्कुल ब्रॉडर, अब जैसे मैंने तो जस्ट सन ग्लासेस सर्च किया था ना, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था मैंने किस तरह के ग्लासेस बाय करने हैं, क्या कुछ नहीं करना। अगर आप कुछ स्पेसिफिक बाय करना चाह रहे हैं, कोई मॉडल है जैसे किसी मोबाइल फोन का फॉर एग्जाम्पल, या किसी हेडफोन्स का, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो मॉडल के साथ है, तो उसकी उसको पूरा प्रॉपर सर्च करें, इंस्टेड आप जैसे ब्रॉड क्वेरी लिख देते हैं इस तरह ना करें। अगर आप रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भी डाल रहे हैं तो उसे प्रॉपर डालें, इफ यू वॉन्ट कि आपको जो प्रोडक्ट रिसीव हो वो उसी तरह। और अगर आप निगोशिएट कर रहे हैं तो विद कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली प्रॉपर बार्गेनिंग करें, एंड देन जो है इफेक्टिव सैंपल्स वगैरह मंगवाएं, ताकि आपको आइडिया हो कि अनलेस अगर सैंपल इस तरह का आ रहा है तो बल्क में भी इस तरह जो है वो सही हो जाएगा। फिर अब इसके लेटर जो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, अगर आपने 1000 का कोई स्टॉक मंगवाया है या 5000 का मंगवाया है, अब ऑब्वियसली ह्यूमन एरर आ जाता है, समटाइम्स इसमें भी होता है एक या दो पीस कभी खराब हो जाते हैं, इस तरह को कुछ हो जाता है। बट अगर आपने अलीबाबा के थ्रू पेमेंट की हुई है, उनके ट्रेड इंश्योरेंस सप्लायर्स के को ही कॉन्टेक्ट करके वहीं से बाइंग की हुई है, देन अगर कोई ज्यादा बड़ा बल्क में ऑर्डर है तो आपने इंस्पेक्शन सर्विसेज हायर की हुई है उसमें, तो इस तरह के जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल मिनिमम टू जीरो होते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल से जो है वो आपको आपका ब्रांड टूवर्ड्स योर ब्रांड बिल्डिंग, आपकी वेबसाइट किस तरह खड़ी करनी है, आपने उस पर डोमेन पे किस तरह परचेज करना है, और डोमेन किस तरह परचेज करनी है, देन आपने उसे वेबसाइट पे किस तरह लिंक करना है, आप अपना प्रॉपर ब्रांड किस तरह खड़ा करना है, तो उस पर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सॉरी बात करेंगे। तो यहाँ तक आप में से किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी मैम, एक सेकंड एक सेकंड। जी मैम, मैंने आपसे एक चीज पूछनी थी। जी जी पूछें। मैम मैंने आपसे ये पूछना था कि ये ऑलमोस्ट मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ ना अलीबाबा पे, इस टाइम मैंने लैपटॉप ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे सारे सप्लायर्स चाइना के हैं जी, तो इधर कोई पाकिस्तानी सप्लायर्स अलीबाबा जो है अलीबाबा जो है बेसिकली चाइनीज बेस्ड ही है, अगर आप मिल जाते हैं पाकिस्तानी बेस्ड भी, अब ये जैसे पाकिस्तानी होते हैं पाकिस्तानी होते हैं, ये डेट्स का जो सप्लायर है मुबीन, ये जो डेट्स जैसे पाकिस्तान में मिलती हैं, यहाँ पे जो खजूरें वगैरह या कोई जो चटाइयाँ या कोई इस टाइप की चीजें, ये काफी ज्यादा बिकती हैं, रग्स हो गई, ये भी काफी एक्सपोर्ट की जाती हैं फ्रॉम अलीबाबा, जो काफी सप्लायर हैं पाकिस्तानी भी हैं। जी जी मैंने देखे हैं, वो 24 सप्लायर्स हैं ऑलमोस्ट। मेरा ख्याल टॉप का इस वक्त खजूरों पे जा रहा था, मैंने जब मैंने लास्ट देखा था, मुझे याद है लास्ट मंथ। सही हो गया। तो इसलिए प्रेफर ये किया जाता है आप स्टार्ट करें पहले लोकल मार्केट से, ठीक है, अगर आपको उसके ऊपर एक सॉर्ट ऑफ पहले ग्रिप आ जाती है कि अच्छा आपने यहाँ पे लोकल मार्केट में आप मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाह रहे हैं तो उनसे किस तरह डील करना है, कोई चीज कस्टमाइज करवा रहे हैं तो वहाँ यहाँ पे वो किस तरह करवानी है, जब यहाँ पे आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाएगा तो फिर आप उसके बाद जो है वो अलीबाबा पे मूव ऑन करें कि आप इंस्टेड स्कैम और फिर एक अमाउंट आपकी यूज होती है इंस्टेड वहाँ पे वेस्ट हो, तो आप पहले लोकली उस चीज को पहले फाइंड आउट करें जो आप सेल आउट करना चाह रहे हैं कि वो लोकली अवेलेबल है तो उसके क्या रेट्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब अगर आप किसी होलसेल मार्केट में जाते हैं तो वो एक प्रोडक्ट जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है किसी एक शॉप के पास नहीं होगी, वो मल्टीपल उसके डीलर्स होंगे, तो जितने नंबर ऑफ डीलर्स ज्यादा होते हैं कंपटीशन उतना ज्यादा होता है, तो प्राइस फिर ऑब्वियसली वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उतनी आपको इजिली मिल जाती है, फिर आपको जाना पड़ेगा सर्च करना पड़ेगा और फिर इसी तरह
जो आपको आपकी रिक्वायर्ड प्राइस और बजट के अंदर अंदर आप कुछ परचेज करना चाहें मिल जाती है लोकली, इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। बट ऑब्वियस अगर आप खुद कोई चीज लॉन्च कर रहे हैं या फिर आपके पास एक एक्सपीरियंस है और या फिर आपके पास कोई प्रोफेशनल इम्पोर्टर की एक्सेस भी है तो आप उसके थ्रू भी अलीबाबा से इजीली परचेज करवा सकते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है आपको टाइम लगेगा। बट अदर देन दैट इट्स इजी, ये इतना भी नहीं होता कि कोई स्कैम कर दे सारा, क्योंकि आप सारा जो एक ऑनलाइन ग्लोबल पोर्टल पे आपको चीज परचेज करें तो आपको उसी तरह ही मिलती है उसी क्वालिटी के अंदर जिस तरह जो आपने एक्सपेक्ट की होती है ऑनलाइन। इसलिए कहते हैं जब आप कोई चीज बाय करें आप सेलर से क्राउड क्वेश्चन करें, आप उनसे पूछें, आप उन्हें कि हमें लाइव फुटेज दिखाएं प्रोडक्ट की या फिर कोई सैंपल भेजें, उसे प्रॉपर चेक करें, देन जो है वो आप वो बल्क ऑर्डर करें अगर आप किसी प्रोडक्ट पर करना चाह रहे हैं। और कोई क्वेश्चन? हेलो जी मैम, लोकली जो है हमें फिर दराज को टारगेट करना चाहिए अपना सेलर अकाउंट बनाने के लिए? बेसिकली डिपेंड करता है, क्योंकि दराज पे भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अगर आप दराज पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपना तो उसके लिए एक अलग कोर्स है, तो इसमें जो हम करवा रहे हैं बेसिकली आपका एक अपना प्रॉपर ब्रांड खड़ा करवाएंगे इंशाल्लाह। एक ब्रांड होगा प्रॉपर जिसमें आपकी अपनी वेबसाइट होगी, आपके अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पेजेस, आपने उसको किस तरह रन करना है, फिर आपने जो है उस पर किस तरह कैंपेन्स वगैरह लगा के वो सारा। उससे ये होता है कि एक जब विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे एक लोगों को जितना जितना मतलब एक्सपीरियंस हो रहा है लोग जा रहे हैं ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं। अब जिसकी वेबसाइट बिल्ड हुई हुई होती है, प्रॉपर ब्रांडिंग हुई हुई होती है, तो वो जो सेलर है वो उतना ही जेन्युइन इम्पैक्ट होता है एज इन फॉर जो बायर या कस्टमर के ऊपर। ओके, इनकी प्रॉपर वेबसाइट बिल्ड है, इनकी प्रॉपर सारे चैनल्स, इनके प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो देयर इज अ टीम। अगर एक प्रॉपर टीम है दैट मीन्स जो प्रोडक्ट है वो उतनी ही जेन्युइन। तो इंस्टेड आप लोकली इस तरह करें तो आप प्रॉपर अपना एक ब्रांड खड़ा करें, ये ज्यादा बेहतर है। पर अगर आप दराज पे जाना चाहते हैं तो आपके पास एक इसका एक इन डेप्थ एक अलग कोर्स है जो नेक्स्टस्किल में ही प्रोवाइड किया जाता है, तो आप वो कर सकते हैं, बिकॉज दराज इज टू लेंथी के उसे इस कोर्स में कवर किया जा सके, मतलब उसकी बहुत ही इन डेप्थ डिटेल है। बट इस कोर्स में आपको इतना सिखाया जाएगा कि आप इस कोर्स में इतने बेसिक्स इतना इन डेप्थ सीख लेंगे कि आप खुद से विदाउट, अगर आप किसी कोर्स करना चाह रहे हैं तो आप खुद से थोड़ा बहुत लर्न करके आप किसी भी पोर्टल पर ऑनलाइन, आप किसी ई कॉमर्स पोर्टल पर भी आप काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा खुद से एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, खुद से आपको फ्रॉड और स्कैम देखने पड़ेंगे। बट ऑब्वियस अगर आप किसी को प्रॉपर एक इन डेप्थ कोर्स कर लेते हैं तो फिर आपको सॉर्ट ऑफ मेंटरशिप्स मिल जाती है, काफी टिप्स और ट्रिक्स का पता चलता है डिपेंडिंग आप क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं दराज पे और कितने लोग इंटरेस्टेड हैं शॉपिफाई पे, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं अमेज़न पे, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं किसी और मार्केट प्लेस पे काम करने के लिए, कौन कौन किस किस जगह पे इंटरेस्टेड है या सारे एक ही जगह पे इंटरेस्टेड है, ये भी जरा थोड़ा बता दें। सर हम बेसिकली, हमारा ये बिल्कुल स्टार्टअप है तो हम तो यही सोचेंगे कि जिसमें हमें अच्छी अर्निंग्स आए, बेशक मेहनत करके आए तो हम उसी में जाएं। ठीक है, तो वैसे आपने क्या सोचा था कोर्स ज्वाइन करते वक्त, आपने कि किस डायरेक्शन में जाना, कुछ तो होगा ना कि यार, जिस तरह अभी कल मेरे ख्याल अमाद मेरे ख्याल से लाइन पे थे, अमाद ने मुझे ये बताया कि मैंने सनी अली एक्सट्रीम कॉमर्स के जो उन अप्रोच के